बोलिए भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की, महाराज सुदोधन की। अच्छा तो हमारी माताएं बहने और भैया लोग, आप लोग ये सोचते होंगे पता नहीं ये नेक बोलती है और हम ही से पूछने लगती हैं। कोई बात नहीं, अपना समाज है जरूर पूछेंगे, अपना घर है, अपना परिवार है, गैरों से थोड़ी नहीं जाएंगे पूछने के लिए, शिकायत करने के लिए, बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए। गलतियां अपनों से होती है तो अपनी क्षमा करेंगे, दूसरा थोड़ी नहीं कोई आएगा करने के लिए। क्यों भैया? ओए भैया शांत रहो। तो इतनी माताएं बहने बैठी हैं और हम आपको डेली भगवान बुद्ध का मूल मंत्र बताते हैं, तीन रत्न बताते हैं, त्रिशरण बताते हैं और पंचशील बताते हैं। कितने लोगों को याद है? चार आर्षत बताए हैं आपको, आठ अष्टांग मार्ग बताए हैं। कितने लोगों को याद है बताएं? इधर भाइयों में से, इधर माता बहनों से कोई जानता है? चार चार बार कथा हो चुकी है, बताएं कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊंचा कर दे जरा। सही बात है, पल्लू जा रहे थोड़ा। देखिए इस बात से ये साफ जाहिर होता है आप लोग कथा सुनने के लिए बिल्कुल नहीं आते हो, बिल्कुल 1%। मैं बताऊं किसके लिए आते हो? बताओ, झांकी देखने। बंते जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और नहीं तो आप लोग खुद बताएं, झांकी देखने के लिए आते हो कि नहीं आते हो? आते हो? सिर हिला रही है, 2-3 किलो का जुबान नहीं हिल रही है 250 ग्राम की। झांकी से और कथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है।